बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 5 मरला हाउस का, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेस ए रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो है 25x45। 25 जो है वो इस घर का फ्रंट है, आप एलिवेशन देख लीजिए, और 45 जो है वो इस घर की लेंथ है। आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियो काइंडली एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस घर का डिटेल विज़िट करेंगे और आपके साथ में इस घर की डिमांड आस्किंग प्राइस शेयर करूँगा। और साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोज़ और अपडेट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलें इस घर का विज़िट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप इसका कार रैम देख लीजिए, कंप्लीट टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ गया इसका ग्रीन एरिया या लॉन, ये देख लीजिए आप। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है व्यूअर्स, वो इसमें 3-फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है। गैस इंस्टॉल्ड नहीं है, इस एरिया में मौजूद है लेकिन इस घर में इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू हाउस है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है, एज़ सून एज़ पॉसिबल वो भी इंस्टॉल्ड कर दी जाएगी। ये आप इसका मेन गेट का डिज़ाइन देख लीजिए। अब चलते हैं इसके पोर्च में। जी तो व्यूअर्स, ये आ गया हमारे पास इस घर का कार पोर्च। आप देख सकते हैं सिंपल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये आ गया इसका, यहाँ पे व्यूअर्स आपकी इजीली एक गाड़ी या बड़ी छोटी एक गाड़ी आपकी इजीली एट अ टाइम पार्क हो सकती है। ये जो एंट्रेंस नज़र आ रही है व्यूअर्स, ये मेन टीवी लाउंज की एक्सेस है। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है एंट्रेंस, ये है हमारे पास ड्राइंग रूम की एक्सेस। लेफ़्ट साइड पे पहले चलते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है, पानी का पंप, पानी की मोटर इंस्टॉल्ड है, बिजली गैस पानी तीनों चीज़ें इस एरिया में इस घर में मौजूद है। गैस इंस्टॉल्ड नहीं है, वो भी एज़ सून एज़ पॉसिबल इंस्टॉल्ड कर दी जाएगी। आप एक दूसरे एंगल से कार पोर्च का व्यू कर लीजिए। अब आपको इसका सीलिंग डिज़ाइन दिखा देता हूँ, देख लीजिए स्टाइलिश किस्म का सीलिंग डिज़ाइन। सामने वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ, और लेफ़्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं वॉल पे एक हॉर्स डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं घर के अंदर, फिर स्टेप देख लीजिए आप, और इसका डोर देख लीजिए, सॉलिड किस्म का डोर है, सेम एज इट इज़ ड्राइंग रूम का भी डोर है, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आप इस घर के एंटर थ्रू मेन डोर। जी तो व्यूअर्स, ये अब हम आ गए इस घर के अंदर। फ्रंट पे जो आपको नज़र आ रहा है डोर, ये है। ग्राउंड फ्लोर पे इसका फर्स्ट बेडरूम, ये किचन, और ये आ गया हमारे पास इसका टीवी लाउंज। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको जगह नज़र आ रही है व्यूअर्स, ये है इसका ड्राइंग रूम, अभी हम वो भी विज़िट कर लेते हैं। पहले आप टीवी लाउंज का व्यू कर लीजिए, फ्लोरिंग देख लीजिए, सिंपल वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और सामने इसका सीलिंग डिज़ाइन भी देख लीजिए। इस मेन डोर के थ्रू व्यूअर्स हम अंदर आए हैं, और अब चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो भी दी गई है, और ये आप देख लें वॉल आर्ट भी देख लीजिए। फ्लोरिंग व्यूअर्स बिल्कुल सेम है, और सीलिंग डिज़ाइन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन। और जो ये जो डोर है जो आपको मैंने बार पोर्च से दिखाया था, ये है ड्राइंग रूम का डोर, ड्राइंग रूम के एक्सेस के लिए। स्कॉटिंग आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की है, और आप इधर से भी टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का विजिट कर लें। व्यूअर्स, इस घर का हाउस प्लान मैं आपको शेयर करता चलूँ, जो इसकी अकोमोडेशन है वो कुछ ऐसे है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास इसका 1 बेडरूम अवेलेबल है, मास्टर साइज बेडरूम है, 1 किचन है, 1 ड्राइंग रूम, 1 TV लाउंज और लॉन्ड्री अवेलेबल है। अपर पोर्शन की बात करें तो अपर पोर्शन में हमारे पास 2 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम और 1 TV लाउंज अवेलेबल है, उसका भी हम अभी विज़िट कर लेते हैं। ये आप इस एंगल से भी इसका व्यू कर लीजिए व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं अपर पोर्शन की एक्सेस यहाँ से है, आप इस एंगल से भी इसका व्यू कर लीजिए, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम भी। और अब चलते हैं इसके किचन की तरफ।
ये जो व्यूअर्स किचन में आपको डोर नज़र आ रहा है, ये लॉन्ड्री की एक्सेस के लिए, यहाँ से आप लॉन्ड्री में जा सकती हैं। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है किचन में, और विंडो भी दी गई है सेफ्टी ग्रिल्स के साथ। बात करते हैं इसके स्टोव की और हुड की, ये भी इंस्टॉल्ड है। कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, कलर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लोरिंग की आप बात करें तो बेडरूम की फ्लोरिंग, ड्राइंग रूम की, टीवी लाउंज की फ्लोरिंग कम्प्लीटली सेम है। एक इसकी ड्रॉअर्स देख लीजिए, ये इसकी कैबिनेट्स। अब चलते हैं इसकी लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री आपको व्यू करवा दें। डबल डोर है लॉन्ड्री में, और ये आप देख सकते हैं फ्लोरिंग यहाँ पे की गई है मार्बल की। एक नॉर्मल साइज़ की लॉन्ड्री है। ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है वेंटिलेशन के लिए, ये ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की है। चलते हैं वापस टीवी लाउंज की तरफ। जी तो व्यूअर्स, हमने लॉन्ड्री भी विज़िट कर ली, ये आप किचन से टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का व्यू कर लीजिए। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये व्यूअर्स एक छोटी सी जगह इन्होंने दी हुई है, ये आई डोंट नो पाउडर रूम के लिए है, लेकिन यहाँ बनाया नहीं है, लेकिन बना सकते हैं पाउडर रूम भी यहाँ पर। चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। ये जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है विंडोज व्यूअर्स, ये वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दी गई है, जो लॉन्ड्री की तरफ भी है। और ये आप देख सकते हैं सामने वॉल पे वॉल आर्ट, सेम ब्लैक स्कॉटिंग, सेम टाइल्स फ्लोरिंग पे, और ये लेफ्ट पे हमारे पास आ गई इसकी वार्डरोब्स, आप देख सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन में आपको दिखाता चलूं व्यूअर्स, सीलिंग भी इसकी डिफरेंट है। ये राइट साइड पे हमारे पास इसका वॉशरूम आ गया, वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे वॉल पे एलईडी पॉइंट्स दिए गए हैं, जगह बनाई गई है, ये भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसका वॉशरूम व्यू कर लेते हैं। वॉशरूम की जो व्यूअर्स फ्लोरिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की है, वॉल पे जो फ्लोरिंग है ऊपर तक वो भी डिफरेंट है। शॉवर एरिया देख लीजिए, ये एक मोर पोर्टा की फिटिंग्स हैं, और ये आप देख लीजिए इसका मिरर, टाइल्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। व्यूअर्स आपको एक और बात बताता चलूँ, इस घर के 5 to 7 मिनट की ड्राइव पे आपके पार्क्स अवेलेबल हैं, आपके कमर्शियल एरिया अवेलेबल है, और स्कूल्स अवेलेबल हैं। सबसे मेन चीज़ मस्जिद जो है वो इस ब्लॉक के, इस घर के बिल्कुल करीब है, हॉस्पिटल्स भी करीब हैं, और बैंक्स वगैरह जो सब मेन चीज़ें होती हैं इस घर के 5 to 7 मिनट की ड्राइव पे सब कुछ करीब है। व्यूअर्स इसी के साथ साथ हमने ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट विज़िट कर लिया है, एक दफ़ा आप फिर देख लीजिए। अब चलते हैं इसके अपर पोर्शन पे। व्यूअर्स इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, जो डिमांड है, वो है 1,40,00,000, लेकिन ये नेगोशिएबल डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, इसमें मज़ीद नेगोशिएट कर दिया जाएगा। आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है, आपकी स्क्रीन पर इसी वीडियो में मेरा नंबर मेंशन होगा, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके मेरे से इस घर के बारे में फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने ऑन ग्राउंड विज़िट भी करना है, इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड विज़िट भी करा दिया जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये आ गए हैं हम अपर पोर्शन के लाउंज में। ये आप देख सकते हैं एक नॉर्मल साइज़ का लाउंज है, सामने वॉल आर्ट, सेम फ्लोरिंग, सेम स्कॉटिंग, एंड ये आप इसके वेंटिलेशन के लिए भी सीलिंग में भी जगह दी गई है। सीलिंग डिज़ाइन आप देख लीजिए, स्पेस भी खाली दी गई है, स्पेस ऊपर से बंद है लेकिन एक अच्छा व्यू हो रहा है। राइट साइड पे व्यूअर्स इस फ्लोर का हमारे पास फर्स्ट बेडरूम अवेलेबल है विद अटैच वॉशरूम, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बेडरूम अवेलेबल है विद अटैच वॉशरूम। इस एंगल से भी आप इसका व्यू कर लीजिए व्यूअर्स। इन स्टेयर्स के थ्रू हम ऊपर आए हैं, ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये अपर पोर्शन के एक्सेस के लिए है। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड बेडरूम का व्यू विज़िट कर लेते हैं। एक मास्टर साइज बेडरूम है व्यूअर्स, ये भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सेम फ्लोरिंग है, सेम स्कॉटिंग है, और ये आप इसका सीलिंग डिज़ाइन भी देख लीजिए व्यूअर्स। इस घर की जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इस घर की जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, वो है 1 करोड़
40 लाख, 1,40,00,000 इस घर की डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल है। सामने इसका हमारे पास वॉशरूम आ गया, राइट साइड पे इसकी हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो विद सेफ्टी सिक्योरिटी ग्रिल्स। चलते हैं इसका वॉशरूम भी व्यू कर लेते हैं। ये आप देख लें व्यूअर्स, वार्डरोब्स, एक छोटा सा इन्होंने ड्रेसिंग एरिया बनाया है। राइट लेफ्ट साइड पे भी वार्डरोब्स हैं एंड सामने फ्रंट पे भी। ये आ गया हमारे पास इसका वॉशरूम, वेंटिलेशन के लिए विंडो विद सेफ्टी ग्रिल्स और एग्जॉस्ट फैन भी अवेलेबल है। बात करते हैं इसकी टाइलिंग की, इस वॉशरूम की फ्लोरिंग भी डिफरेंट है, वॉल्स पे भी डिफरेंट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं कमोड, ये पोर्टा की फिटिंग्स, ये मिरर आ गया और इसका शॉवर एरिया ये है। चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम में। व्यूअर्स आपको एक और बात बताता चलूं, आप में से जिस किसी ने भी बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में 5 मरले का, 10 मरले का, 7 मरले का घर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करवाना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। ये बागे व्यूअर्स हम इसके लास्ट बेडरूम में और इस घर इस फ्लोर के सेकेंड बेडरूम में। सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें कम्प्लीटली डिफरेंट है, वेंटिलेशन के लिए विंडो विद सिक्योरिटी ग्रिल्स, सेम स्कॉटिंग सेम फ्लोरिंग। दूसरे एंगल से भी व्यू करवा दूँ आपको। ये जो व्यूअर्स आपको डोर नज़र आ रहा है सामने, ये हमारे पास है टेरेस के एक्सेस के लिए, आपको उसका भी व्यू करवा देता हूँ। और सामने हमारे पास वॉशरूम आ गया, ये हमारे पास वॉशरूम है वो भी देख लेते हैं। मास्टर साइज बेडरूम है ये, इसका आपको मैं व्यू करवा दूँ। डबल डोर है ये आप देख सकते हैं। चलते हैं इसके वॉशरूम में। ये राइट साइड पे हमारे पास इसकी आ गई वेटेड वार्डरोब्स। जी तो व्यूअर्स, इस वॉशरूम की अगर आप फ्लोरिंग और टाइल्स की बात करें तो ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। हर कमरे के हर वॉशरूम की टाइलिंग्स डिफरेंट है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट स्टाइल है। और इसमें भी वेंटिलेशन के लिए विंडो विद एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है, पोर्टा की फिटिंग्स हैं। आप देख लें ये आ गया इसका मिरर। और चलते हैं अब इसके, जी तो व्यूअर्स हमने इसका ग्राउंड फ्लोर विज़िट कर लिया है, अपर पोर्शन भी इसका विज़िट कर लिया है। रह गई है छत, जिसमें हमारे पास एक सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम अवेलेबल है, उसका भी विज़िट हम कर लेते हैं। चलते हैं इसकी छत पर। व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैस बिजली और पानी तीनों इस एरिया में मौजूद हैं इस ब्लॉक में, लेकिन गैस इस घर में अवेलेबल नहीं है, वो भी एज़ सून एज़ पॉसिबल इंस्टॉल कर दी जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी सबमिटेड है। ये अब हम आ गए हैं घर की छत पर, आपको मैं लोकेलिटी का भी व्यू करवा दूंगा। और फ्लोरिंग आप देख लें कम्प्लीट चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। राइट साइड पे पानी की टंकी मौजूद है हमारे पास, और राइट साइड पर ही हमारे पास सर्वेंट रूम सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है। इसकी फ्लोरिंग की आप बात करें तो व्यूअर्स हमारे पास चिप्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और ये आ गई इस रूम की वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये आ गई हमारे पास इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी विंडो अवेलेबल है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। जी तो व्यूअर्स अब मैं आपको इसकी लोकेलिटी का व्यू करवा देता हूँ। व्यूअर्स मेन रोड से एक गली अंदर करके व्यूअर्स ये घर अवेलेबल है। व्यूअर्स ये घर सिर्फ कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। और जिस एरिया में यह घर मौजूद है 92-95% कंस्ट्रक्टेड एरिया है। आपको मैं लोकेलिटी दिखा दूँ, ये आप देख लें ये राइट साइड पे अवेलेबल है, सब घर कंस्ट्रक्टेड हैं। और लेफ्ट साइड ये मेन बुलेवर्ड है, आपका मेन रोड है, और ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है सारा। जी तो व्यूअर्स इसी के साथ साथ हमने ब्रांड न्यू 5 मरला हाउस का कंप्लीट विज़िट कर लिया है, जो कि बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में सिर्फ कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट में बहरिया टाउन फेज़ 8 में आप हमसे 5 मरला 7 मरला 10 मरला घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ व्यूअर्स, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, डिमांड है, वो है 1,40,00,000 फ्रॉम ऑनर साइड। आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है, वो ये घर विज़िट करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है,
आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन होगा, आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट करके इस घर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने इस घर के बारे में मालिक से डील करनी है, ख़रीदना है, इंशाल्लाह ताला आपकी ऑनर के साथ मीटिंग भी करवा दी जाएगी। अब मिलते हैं अगली जी तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।